कर देते हैं। अगर अच्छी लगे हमारी आवाजें तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि एक कलाकार के लिए तालियां ही उसका इनाम होती है। एक बार तो हो जाए, पीछे से भी हो जाए, अरे वहां से भी हो जाए। तो क्या होता है, एक बार एक छोटा कुत्ता होता है, शहर का लगा लगा, और एक गांव का कुत्ता होता है बड़ा। जब उन दोनों में लड़ाई हो जाती है तो कैसे भोंकते हैं, जो छोटा कुत्ता होता है बड़ा कुत्ता बड़ा है, और गांव का हो लगा लो समय। तो कैसे भोंकता है, अब छोटा कुत्ता उसको पढ़ रहा है, तो बड़ा कुत्ता जब कुत्ते के दो लठ दर्द दिए जाए तो कैसे चिल्लाता है, सुबह सुबह हमारे मोबाइल का अलार्म तो बोलता नहीं, मुर्गा जरूर बोलता है। और जो हमारे स्कूल के बैकग्राउंड है, ये सुबह हो चाहे दोपहर के 12 बजे शाम के हो, ये बोलते ही रहते हैं, पता नहीं कौन सा अलार्म लगाया, कैसे घोड़ा देखा भी होगा, उसकी आवाज कैसे आती है जब वो बोलता है, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये भी मुझे कहना पड़ेगा, पता है आपको शनिवार का दिन है, हमारा दिन है, फिर भी तालियों में खुशी, बाल सफा का दिन है। तो एक बार क्या होता है, दो बिल्लियों की लड़ाई हो जाती है, जब लड़ाई होती है उनकी तो कैसे आवाज आती है, डरे तो नहीं, घबराए तो नहीं, फिर ठीक है। ट्रैक्टर स्टार्ट होके जब चलता है कैसी आवाज आती है, सेल्फ स्टार्ट है, यामा देखा है, दो टायर होते हैं, ठीक है बिल्कुल देखा है, जब वो चलता है कैसी आवाज आती है। मान लीजिए मैं अपने घर से चला अपने स्कूल के लिए, ये आज एनुअल डे का फंक्शन है, चलो हम भी चलते हैं, मैंने अपना यामा बाहर निकाला, या स्टार्ट, तो कैसी आवाज आई, फर्स्ट स्टैंड के पास ट्रेन का पकड़ गया, फिर तक कर लेकर आया ट्रेन, पता क्या है रेलगाड़ी, जब वो स्टेशन से चलती है तो उसके इंजन की आवाज कैसे आती है, जब वो चलती है ट्रेन, तो कैसी आवाज आने लगी, पटरी से चल पड़ी तो कैसी आवाज आने लगी।
क्या चुका बोल रहे हो? ये देखो अब आ जाएगी, ये मेरी ट्रेन, ये मेरी ट्रेन, अब आ जाएगी, हम अंदर आएगा, रास्ता छोड़ दीजिए। अरे पीछे मत देखो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, यहाँ ट्रेन कैसे आएगी? तो सुअर जब बेचारों को कोई कसाई काटने के लिए ले जाता है तो बेचारा दर्द के मारे कैसे चिल्लाता है, उसकी आवाज भी सुनाएंगे आपको, ओरिजिनल लगे। तालियां जरूर बजाइए, अभी नहीं पहले सुनिएगा। बेचारे सुअर के बच्चों को लेके जा रहे हैं और वो कैसे चिल्ला रहा है, सुअर की आवाज आ रही है, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही होगी। पायल जब वो चलती है तो कैसे आवाज आती है, मान लीजिए कि पीछे से एक छोटी सी गुड़िया आ रही है स्टेज की तरफ, अरे मत देखो, मान लीजिए, तो कैसी आती है आवाजें, जैसे गुड़िया चल रही है आवाज नहीं, थोड़ी जो ये घुंघरू है ना बहुत स्लो है, ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा ना कोई, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो जैसे गुड़िया चल रही है तो उसके घुंघरू की आवाज कैसे आती है, ध्यान से सुने सभी, आवाज नहीं आ रही, थोड़ी ऊपर आवाज, जैसे जैसे गुड़िया तेज हो जाती है तो उसके घुंघरू की आवाज भी तेज हो जाती है, तो उसके घुंघरू की आवाज टूट के बिगड़ जाती है। जब घुंघरू टूट जाते हैं तो कैसी आवाज आती है, जैसे घुंघरू टूटे तो उसके घुंघरू की आवाज, तो आप उसे इकट्ठा कर रही हैं, ये घुंघरू की आवाज। गायें भैंस नहीं सुनी, आज मैं सुना देता हूं, गायें कैसे बोलती है जब सुबह सुबह होती है, भैंस वो पीछे क्यों रहने वाली थी, वो भी बोल पड़ती है, अब उसकी छोटी सी कटड़ी वो भी बोलूंगी, अब वो भी पीछे का रहने वाली थी, अब उसकी बोला हमारे स्कूल में भी है, तो जब वो चलता है तो कैसी आवाज आती है, आ गया एक गधा, जब बेचारे पे वजन डाल दिया जाता है, ईंटों पे ईंट, ईंटों पे ईंट, ईंटों पे ईंट, तो बेचारा कैसे चिल्लाता है, मान लीजिए हमारे स्कूल के बाहर से गुजर रहा है, देखिएगा नहीं अभी जब आएगा जल्द, तो कैसे चिल्ला रहा है वो बेचारा, कैबरी रिकॉर्ड सुना है, रील होती थी, सॉन्ग होता उसमें डालते थे, जब उसमें सॉन्ग चलता है कैसी आवाज आती है, और जब उसके अंदर रील फंस जाती है तब कैसी आवाज आती है, और जब डिम लाइट हो जाती है तब कैसी आवाज आती है, मान लीजिए सॉन्ग चल रहा है कि हट जरताऊ पाछन नाचण दे जी भर के मैं, अब एकदम रील फंस गई तो कैसी आवाज आई,
अब एकदम टीम लाइट होगी तो कैसी हो गई? तो इसके बाद नाना पाटेकर अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? नहीं नहीं मैं चला जाता हूँ, मेरे से ले लेता हूँ बाहर निकालने के लिए। तो नाना पाटेकर अच्छा है, अच्छा है जी बात करें। और मैं आपसे नजरें भी बताता हूँ जी। पहले आप ये बताएं, आप हिंदू के पास जाते हैं मुसलमान के पास? और नाना पार्टी करें तो ये सुनाई दिया तो पहले मौसम भी बढ़िया कहते कराना मैं भी हूँ मजी जो जी चाहो है बात कहते तो बकरी ताजा तो हो जाएगी। वो कैसे चलती है जब उसे जलाया जाता है? जैसे मैंने आग लगाई तो कैसे वो कैसे चलती है? 5 रुपए की थी, इतनी ही चलेगी। अब आती है बारी 10 रुपए वाले की, वो कैसे चलती है? वो कैसे चलती है? ये 10 रुपए वाली। अब आती है सबसे बड़ी आतिशबाजी, सबसे महंगी, पता नहीं आपने चलाई होगी या नहीं। तो उसकी आवाज कैसे आती है जब वो चलती है? अनार बम, उसकी आवाज कैसे आती है? मान लीजिए यहां पर अनार बम है, मैं जला रहा हूं, थोड़ा दूर हो जाइए कभी यहां पड़ जाए, मैं आग लगा रहा हूं, डर भी लग रहा है। तो जब चला तो कैसी आवाज आई? ये नहीं फटेगा, ये बिना फटने वाला। अरे क्लैपिंग की आवाज पीछे से भी होनी चाहिए हैं? मैं यहां पर आवाज निकाल रहा हूं, यहां पर क्लैपिंग नहीं, हमें पता चलना चाहिए यही है और आप भी यहीं पर हो। पैसेंजर जहाज, जिसने नहीं देखा होगा टीवी में देखा होगा आवाज, उतर गया हेलीकॉप्टर, जब उड़ान भरता है तो कैसी आवाज आती है? और जब नीचे उतरता है, उतर गया हमारी छत पर कॉलेज का, देखिए।